इंदौर के पुलियाओं पर बने वर्टिकल गार्डन के प्लास्टिक के गमले की भरी बारिश में रंगाई पुताई करवाई जा रही है। कांग्रेसियों का आरोप, निगम ने फिर घोटाला किया। इंदौर शहर कमेटी के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी, अनुसंभागीय प्रवक्ता अनूप शुक्ला और देवेंद्र यादव ने आज बताया कि इंदौर नगर पालिका निगम को प्रतिदिन भ्रष्टाचार करने के नए कारनामे किए जा रहे हैं। इन दिनों नगर निगम द्वारा लाखों रुपए का टेंडर पास किया गया, जिसमें शहर की पुलियाओं पर बने वर्टिकल गार्डन में प्लास्टिक के गमलों पर भरी बारिश में ऑयल पेंट से पुताई करवाई जा रही है। नगर निगम का एक नया चमत्कार देखने में आता है कि एक तो प्लास्टिक के गमलों पर ऑयल पेंट की पुताई और वह भी भरी बारिश में करवाई जा रही है, जो प्लास्टिक के गमलों पर टिकता ही नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ नगर निगम को किसी भी प्रकार से विभाग में बैठे अधिकारी द्वारा पैसे कमाने का नया जरिया है और यह भ्रष्टाचार करने के लिए किया जा रहा है। चिड़ियाघर के सामने पुलिया, गनगौर घाट पुलिया, मालवा मिल की पुलिया, कृष्णपुरा सहित शहर की कई पुलिया पर लगे गमलों पर पुताई करवाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने मामले में लोकायुक्त में शिकायत करने की बात कही है। देखिए, रोज सुबह सूरज उगता है, वैसे नगर निगम का रोज भ्रष्टाचार का सूरज रोज उबे उगता है। रोज नगर निगम, नगर पालिक निगम रोज रोज नए नए भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके ढूंढती है। आप बताइए कि वर्टिकल गार्डन के ऊपर काले गमलों के ऊपर और प्लास्टिक के गमलों के ऊपर पुताई का ठेका दिया गया, ऑयल पेंट की पुताई का ठेका दिया गया लाखों रुपए का, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ऐसी भरी बारिश के अंदर उन गमलों के ऊपर पुताई करवाई जा रही है, वो कितने दिन टिकेगी? वो चार दिन नहीं टिकेगी, फिर नया टेंडर कर देंगे। वो चार दिन नहीं टिकेगा, फिर नया टेंडर कर देंगे। तो नगर निगम ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ढूंढ रखे हैं। इसको लेकर कांग्रेस लोकायुक्त में शिकायत करने जा रही है। सूचना का अधिकार में हमने सारे दस्तावेज निकलवा लिए। हमने वहाँ के जोन प्रभारी, जो वर्टिकल गार्डन के प्रभारी पाटिल को भी फोन लगाया, उसका भी कहना है, वो भी अनसुनी कर रहा है। मतलब निश्चित रूप से इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी।